हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 15 अगस्त स्पेशल ट्राई कलर आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और इजी है। इसे बनाना बहुत आसान है। आप भी इस इंडिपेंडेंस डे पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ही बनके तैयार होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं एक पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। यहाँ पर हमने सारा मिल्क ऐड कर दिया है। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप शुगर। अब इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा मिल्क यहाँ पे बॉईल होता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो अभी इसमें हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है, और अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क। तो मिल्क यहाँ पे हम नॉर्मल टेम्परेचर का यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई गुठलियाँ नहीं बनी है। अब इसमें जो भी बचा हुआ मिल्क है उसको हम ऐड कर देंगे। तो अब हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्स जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमारा दूध जो है ये भी अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसके किनारे को स्क्रैच करते हुए अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और दूध को हम 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही अच्छे से बॉईल करेंगे। तो इसको इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे और इसके किनारे को स्क्रैच करते रहेंगे और दूध के साथ ही मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्स। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाता है। और अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, लो फ्लेम पर ही इस मिक्स को ऐड करेंगे, नहीं तो कॉर्नफ्लोर जो है फटाफट गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर लम्स बन जाता है। तो लो फ्लेम करके इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कोई लम्स नहीं बना है। अब इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो इसी तरह से इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, चलाते हुए इसे एक उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी थिक हो गया है और एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गया है, और इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। बस इसके किनारे को इसी तरह से स्क्रैच करते हुए 1 से 2 मिनट तक और उबाल लेंगे। इससे ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और ये स्पैचुला को कोट करने लगेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस स्पैचुला को मिक्स कोट कर रहा है। बस इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है, और इसे हम रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। जब तक मिक्स ठंडा होता है यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बाउल, इसमें हम ऐड करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे हम 250 ml का अमूल फ्रेश क्रीम लिए हैं और इसको हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। लिक्विड पार्ट को हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे आइसक्रीम में। इसे हमें वेस्ट भी नहीं करना है फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी सब्जी की ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया इलेक्ट्रिक बीटर और इसे हम अच्छे से क्रीम को बीट करेंगे। तो क्रीम को हमें 3 से 4 मिनट तक बीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और इसे हमें लगातार बीट नहीं करना है फ्रेंड्स। बीच बीच में हम स्टॉप करेंगे, नहीं तो हमारे क्रीम में से बटर निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम हैवी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश क्रीम का यूज़ नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप घर की जो दूध की मलाई होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। मलाई आपका फ्रेश होना चाहिए, 2 से 3 दिन के अंदर वाला मलाई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका आइसक्रीम जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है और अब इसमें हम आइसक्रीम का जो मिक्स बनाए थे उसे ऐड कर देंगे। आइसक्रीम का मिक्स ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे हमने सारा मिक्स ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी थिक हो गया है, और अब इसको हम क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और सिंपल है इस आइसक्रीम को बनाना। कुछ भी इसी चीज़ें हमने इसमें यूज़ नहीं किया है जो आपके घर पे आसानी से अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे हमने सारे चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब इस स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का यहाँ पे हमारा आइसक्रीम का मिक्स जो है वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम का बेस है, इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस बेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 पार्ट में आइसक्रीम के बेस को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे हम इलायची, पिस्ता और केसर 3 फ्लेवर का 3 कलर का आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे पिस्ता को गर्म दूध के साथ भिगो के रख दिया था पहले ही। 15-20 मिनट में पिस्ता आपका अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमने केसर वाला दूध भी रेडी कर लिया है। केसर को भी हमने 2 बड़े चम्मच गर्म दूध के साथ भिगो के रख दिया था। तो पिस्ता भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और केसर वाला दूध भी रेडी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो पिस्ता को हम रखेंगे साइड में और सबसे पहले हम केसर फ्लेवर का आइसक्रीम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम मिक्स ले रखा है और उसमें हम केसर वाला मिल्क ऐड कर देंगे। और पहले इसको स्पून से ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाउल हमारा छोटा पड़ रहा था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने बाउल चेंज कर लिया है। और अब इसमें हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। और अब इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि क्रीम के साथ कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल बढ़िया सा केसरी कलर आ गया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें केसर का। तो यहाँ पे हमारा केसर फ्लेवर का आइसक्रीम का मिक्स जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में यहाँ पे हमारा मिक्स रेडी हुआ है। इसे रखेंगे साइड में, और अब हम बनाएंगे पिस्ता फ्लेवर का मिक्स। तो यहाँ पे हमने ले रहा है एक मिक्सर जार, और इसमें हम पिस्ता ऐड कर देंगे। और अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिस्ता को ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइन हमने नहीं किया है, इसे दरदरा ही रखा है, ताकि जो आइसक्रीम में इसके दाने आते हैं फ्रेंड्स ना, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम एक पार्ट में ऐड कर देते हैं पिस्ता का मिक्स, और अब इसे भी हम अच्छे से इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से बीट कर लेंगे। इसमें हम कुछ ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है, और पिस्ता फ्लेवर का भी हमारा आइसक्रीम मिक्स रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं इलायची फ्लेवर का आइसक्रीम, तो इसमें हमने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तीनों बेस जो है फ्रेंड्स बनकर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने इलायची, केसर और पिस्ता तीन फ्लेवर का मिक्स रेडी कर लिया है, और अब हम चलते हैं इसे सेट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पेपर कप, जो डिस्पोजल वाला कप होता है फ्रेंड्स, इसमें आइसक्रीम आप अगर सेट करते हैं ना, तो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है और बहुत ही बढ़िया शेप निकल के आता है। तो सबसे पहले इसमें हम केसर फ्लेवर का आइसक्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी ऐड करना है, क्योंकि हम इसमें थ्री कलर और थ्री फ्लेवर का आइसक्रीम ऐड करने वाले हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे अलग अलग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कप के थर्ड पार्ट फिल कर लिए हैं, और अब इसको हम फॉइल शीट से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो सारे कप को हम सेम प्रोसेस से ही कवर कर लेंगे और इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कप को कवर कर लिया है, और अब इसको फ्रिज में रखेंगे 30 मिनट के लिए, ताकि ये सेमी सेट हो जाए। तो 30 मिनट के बाद इसे हम फ्रिज से निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा आइसक्रीम जो है वो सेट हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे वाइट कलर, जो हमने इलायची फ्लेवर का बनाया था आइसक्रीम। एक पार्ट इसे भी हम फिल कर लेंगे। यहाँ पे तीनों फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से हम सारे ग्लास में फिल कर लेंगे, और सबको हम फटाफट कवर कर देंगे। ग्लास को हम सेम प्रोसेस से फिल कर लिए हैं, और इसे फिर से हम रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। और अब इसे हम 30 मिनट के बाद से फिर से निकाल लिया है, और यहाँ पे आइसक्रीम जो है अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसमें हम लास्ट फाइनल जो फ्लेवर हमारा है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पिस्ता फ्लेवर का आइसक्रीम का मिक्स जो है उसे ऐड कर देंगे। तो सारे ग्लास में हम सेम प्रोसेस से फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे ग्लास को फिल कर लिया है, और अब इसे हम फटाफट फॉइल शीट से कवर करेंगे। सेम प्रोसेस से हम सारे ग्लास यहाँ पे सेट कर लिए हैं, और अब इसमें हम आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नाइफ की हेल्प से छोटा सा कट लगाएंगे, और सारे आइसक्रीम स्टिक को हम इसी प्रोसेस से सेट कर लेंगे। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो इसे हमने 6 से 7 घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे हमारा आइसक्रीम जो है अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो सारे इसके फॉइल शीट जो है हम निकाल लेते हैं, और इस तरह से फ्रेंड्स आप पेपर कप में बनाएंगे ना, तो इजीली आपका जो आइसक्रीम है वो निकल के आता है, और इसका शेप और कलर भी बिल्कुल ब्यूटीफुल आता है। इस तरह से आप बिना आइसक्रीम मोल्ड के भी आसानी से घर पे आइसक्रीम बना सकते हैं। तो सारे हम इस तरह से आइसक्रीम के फॉइल शीट को हटा लेंगे, और इस तरह से हथेलियों में हम रब करेंगे। हाथों की गर्मी से ही आसानी से ये मोल्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ट्राई कलर आया है इसमें। इस तरह से हम सारे आइसक्रीम डीमोल्ड कर लेंगे, और ठंडा ठंडा इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा ट्राई कलर आया है, और इस तरह से हम सारे आइसक्रीम को यहाँ पे सर्व कर लेंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से घर पे बनने वाला आइसक्रीम है, सभी इसको बहुत मन से इंजॉय करेंगे। तो आप भी इस इंडिपेंडेंस डे पे ये ट्राई कलर आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी ट्राई कलर रेसिपी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट
करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर फ्रेंड्स अभी आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आपसे फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।